जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल की रूपरेखा के बारे में बताएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल को पूरे भारत में ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया है। इस कड़ी में हमने फैसला लिया है कि पक्का मोर्चा पर 10 से 3 बजे तक यहां हम बंद करेंगे। कनड़ी में बंद करेंगे, समैन में बंद करेंगे, बलियाला में बंद करेंगे, डांगरा में बंद करेंगे, जमालपुर रोड पर जमालपुर गाँव में बंद करेंगे। और जो मुनक रोड है, वैसे तो सरकार ने वो पहले ही बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी हम पुल के पास ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक यूनियन वाले उसको वहाँ बंद करेंगे। और लगभग सभी गांवों में आह्वान कर दिया है, संदेश दे दिया है कि पूरे ग्रामीण बंद को ग्रामीण बंद करें। और सभी लोगों से हम ये अनुरोध भी करते हैं कि आवश्यक कार्य के बगैर बाहर ना जाएं। किन किन संगठनों का सहयोग रहेगा इसमें? हरियाणा के लगभग सभी संगठन संयुक्त मोर्चा से जो संबंधित हैं, सभी का हमारे को समर्थन है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बंद कर रहे हो, शहरी क्षेत्र में भी कुछ रहेगा आपका? नहीं, शहर के चारों और जो गाँव हैं, जो 5 किलोमीटर में या पहला गांव है, उन गांवों में सड़कें जाम की जाएंगी। क्या ये हरियाणा स्तर पर है या बड़े स्तर पर होगा? नहीं, ये पूरे भारत बंद का आह्वान है, ग्रामीण बंद का आह्वान है। किस मांग को लेकर कर रहे हैं आप ये? हमारी जो आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने हमें MSP C2+50 का वादा किया था, बिजली विधेयक बिल 2020 का को किसानों को बाहर रखने का वादा किया गया था, और पराली जो प्रदूषण में भी किसानों को पराली जलाने से केस में बाहर रखने का वादा किया था, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की है। इसको उनको पूरे करवाने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 तारीख को बंद का आह्वान किया है। ये जो आपकी मीटिंग हुई है, किस रिगार्डिंग हुई, थोड़ा बताएंगे? देखिए, आज हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे पर मीटिंग है, उसका लगातार हमारी यहाँ पर मीटिंगें चल रही है, क्योंकि हमने कंट्रोल रूम बना रखा है। हम लगातार स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, और आज की जो मीटिंग है वो हमारी कल को लेकर के है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि कल को भारत बंद का हमारा आह्वान है, और उस भारत बंद को सफल बनाने के लिए हमने आज मोर्चे पर मीटिंग की है। और तमाम गांव में हमने फ़ोन के माध्यम से और वहां जाकर के साथियों को सूचित कर दिया गया है कि कल अपने अपने क्षेत्र में हर एक किसान बंद रखेगा। क्या जो इमरजेंसी सेवाएं उनके ऊपर भी बाधित होगा? नहीं, देखिए, हमारी इमरजेंसी कोई भी, चाहे एम्बुलेंस हो, विवाह हो, या कोई डेथ वगैरह केस में कोई बीमार हो, उस स्थिति में हमने एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, शादी की बारात को रास्ता देंगे, जो भी इमरजेंसी सुविधा होगी उसके लिए हम रास्ता देंगे। किन किन संगठनों का सहयोग रहेगा? देखिए, इसमें सभी संगठनों का तो किसान संगठनों का सहयोग है, मजदूर संगठनों का सहयोग है, और ट्रेड यूनियन, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नहर महकमे का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बिजली का हो, और हमारे ट्रक ऑपरेटर है, तमाम रोडवेज का है, तमाम संगठनों का हमें इस बंद के आह्वान में समर्थन है, और कल बिल्कुल हमारा ये प्रोग्राम है वो बिल्कुल सफल रहेगा। सरकार तशद्दुद कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र पे सरकार हमला कर रही है, अपनी बात कहने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियों से ये लिया है, मगर जो हरियाणा सरकार की ने, जो पुलिस ने जो जाति की किसानों के ऊपर, चाहे दिल्ली के लिए किसान जा रहे थे, दिल्ली किसानों की हमारी राजधानी है, कोई आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा सकता है, मगर जिस तरह बड़ी बड़ी दीवारें करके किसानों को रोका गया, हमारा संगठन इसकी निंदा करता है, और किसानों के पक्ष में पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ हमने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कल 16 फरवरी को हरियाणा के सभी टोल 12 से लेकर 3 बजे तक फ्री करेंगे पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ, और साथ ही साथ जो पुलिस है वो हमारी फ़ोन टेप कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, और पुलिस दहशत का माहौल बना रही है। इंटरनेट बंद किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में किया था। गिरफ्तारियां का, यदि पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की किसानों की, पुलिस ने अपनी ये कार्रवाई ना रोकी, तो अगला फैसला हमने हरियाणा के को जाम करने का लिया है। यदि पुलिस ने कार्रवाई ना रोकी तो पूर्ण रूप से हरियाणा को जाम करेंगे। तो साथ ही साथ दिल्ली जाने की भी तैयारियां हमारी पूरी है। SKM जिसके नेतृत्व में हमने दिल्ली का आंदोलन लड़ा था,
यदि एसकेएम आह्वान करेगा तो हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसकी हमारी पूरी तैयारी है। मगर हम एसकेएम की कॉल का इंतजार कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा संगठन है वो एसकेएम के साथ है। मगर जो किसानों के ऊपर पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसकी हम किसानों के हक में भी हैं, और जो मांगे हैं उनकी वो बिल्कुल वाजिब है, वो मांग हमारी भी है, बिल्कुल जायज़ मांग है किसानों की। हमें MSP मिलना चाहिए, मगर सरकार जो है पुलिस और के बल पर, गोली के बल पर किसानों की आवाज़ दबाना चाह रही है। ये फैसले हमने किए, और 16 को जो भारत बंद है उसका भी समर्थन करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसानों को निवेदन करेंगे, ये आंदोलन हमने बिल्कुल शांतिमय तरीके से करना है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को उग्र करना चाहती है। सरकार जो है किसानों को ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई देशद्रोही हो, पंजाब जैसे, पंजाब नहीं, पंजाब पाकिस्तान की तरह बिहेव किया जा रहा है। जब पाकिस्तान के बॉर्डरों पर भी इतनी मुस्तैद ना हो पुलिस, जितना मुस्तैदी के साथ कील लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, पंजाब के बॉर्डर सील किए गए हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार हुआ है कि एक स्टेट के बॉर्डर सील किए गए। ये बहुत ही निंदनीय काम है सरकार का। सरकार को बात सुननी चाहिए किसानों की। एक वाजिब मांग मांग रहे हैं MSP की। जो किसान अपनी फसल पैदा करता है उसे MSP मिलनी चाहिए। कर्ज मुक्ति की मांग है जो किसान की, वो बिल्कुल वाजिब है। कॉरपोरेट का लाखों करोड़ों रुपया कॉरपोरेट को सरकार ने छोड़ दिया है, मगर जब किसान की बारी आती है तो किसान को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो अभी 2024 का अभी चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी ने 2022 के अंदर ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। ये 24 आ गया, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, काला धन तो नहीं वापस आया, मगर कर्जा कई गुना बढ़ गया है। किसान पहले से ज़्यादा बर्बाद हुआ है। हमारे इलाके के अंदर बाढ़ ने बर्बादी करी है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जाखड़ के अंदर तहसील को ताला लगा के बैठे हैं किसान। यहाँ भट्टू का क्षेत्र सेम से तबाही मची हुई है, तमाम मसले हैं, बीमा कंपनियाँ क्लेम नहीं दे रही। किसान अपनी बात कहे तो कहाँ जाए, मगर अब सड़क पर यदि किसान अपनी बात कहने के लिए आ रहा है तो ऐसे दीवारें खड़ी कर दी गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय। आज़ाद देश में इस जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी करी थी, उस आज़ादी पर भी सरकार हमला कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को तोड़ रही है, जिस संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है। तो हम सरकार से मांग भी करते हैं तुरंत ये बैरिकेड हटाए जाएं, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, और आवाज़ लाठी और गोली से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। ये दुनिया का इतिहास रहा है, जलियांवाले बाग के अंदर जिस डायर ने गोली चलाई थी, तो उसे उस वक्त की सरकार को ये भरम था कि लाठी और गोली से लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है। इतिहास गवाह है, जलियांवाले बाग के कांड के बाद देश की आज़ादी की लड़ाई धीमी नहीं पड़ी थी, बल्कि और मजबूती के साथ लोग लड़े थे, और जनरल डायर का बदला देश के लोगों ने विदेश की धरती पर जाके लिया। तो ये वही देश है, देशभक्तों की धरती है, जब भगत सिंह जैसे सूरवीरों की धरती है। तो यहाँ लोगों की आज़ादी पे हमला सरकार ना करे। हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो और गाड़ियाँ तोड़ी गई है पुलिस ने जींद के अंदर, जींद के जिस अधिकारी के कहने पे 6-7 गाड़ियाँ हरियाणा के किसान नेताओं की तोड़ी गई है, उस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये कौन सा कानून है जहाँ गाड़ियों को तोड़ दिया जाए, आम राहगीरों को लाठी से पीटा जाए, जो पुलिस कर रही है, ऐसा जम्मू कश्मीर में भी शायद ना हुआ हो, जो हरियाणा के अंदर पुलिस की बर्बरता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सब किसानों से निवेदन करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे शांति से, हमें उग्र नहीं होना, क्योंकि सरकार आंदोलन को उग्र करके कुचलना चाहती है। हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। गिरफ्तारियां हुई तो हम हरियाणा को जाम करने का आह्वान करते हैं। सब साथियों से निवेदन करेंगे, यदि किसान नेता गिरफ्तार किए, जगह जगह पर रोडों को बंद करेंगे, ये हमने फैसला कर लिया है। तो सब साथियों से भी निवेदन करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, इस आंदोलन में जो आंदोलन है किसानों का, इसके हम पक्ष में हैं, और हम एसकेएम की कॉल का इंतजार करेंगे। दिल्ली जब एसकेएम ने आह्वान कर दिया तो हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पूरी तैयारी है। मगर सरकार की इस गुंडागर्दी के विरोध में हजारों किसानों से निवेदन करते हैं, सड़कों पर उतरें, इस लोकतंत्र को बचाएं, इस आज़ादी को बचाएं। ये आज की इस मीटिंग का जो फैसले हुए वो आपसे हम साझा किए हैं। CM खट्टर साहब का कहना है कि हरियाणा के किसान खुश हैं, 14 से अधिक जो फसलें हैं MSP रेट पे ले रहे हैं। अभी बाढ़ आई हुई है, खट्टर साहब ने कहा था 7,000 रुपया मुआवजा देंगे, तो उसने ठगी कर ली सरकार ने।
उसमें जब क्षतिपूर्ति पोर्टल के लिए किसानों को बोला गया आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज कराओ, तो उस वक्त खेतों में पानी था उसमें दो पोर्टल पर नुकसान दर्ज कराओ तो उस वक्त खेतों में पानी था उसमें दो ऑप्शन थे, भी आपने दोबारा धान लगा ली या नहीं लगा ली। उस टाइम लगाई नहीं थी, किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान दर्ज करा दिया, बाद में धान लग गई। अब उन किसानों को मुआवजा सरकार देने से मुकर गई है, बोले आपने ये दर्ज नहीं किया कि आपने धान दोबारा लगा लिया है। उस टाइम कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं थी, भी लोगों को बताया जाता है भी शायद इस पर मतलब उस वक्त भी आपने यदि धान दोबारा लगा लिया है तो उस पर दर्ज करो दोबारा लगा लिया। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। किसान कितना खुशहाल है यहाँ मुख्यमंत्री बयान दे सकते हैं क्योंकि वो बैलों के अंदर रहते हैं। किसान की हालत इतनी माड़ा है, वो कर्ज की मार के नीचे है, आज नरमे का भाव नहीं मिल रहा और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो इसलिए किसान की हालात शायद मुख्यमंत्री को नहीं पता, वो महलों के अंदर रह रहे हैं, वो कारपोरेट के इशारे पे काम करते हैं। हाँ, देश में कारपोरेट माड़ो माल हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट माड़ो माल हो रही है, देश का किसान जो अन्नदाता है वो बहुत ही माड़ी जिंदगी जी रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं दे रहा। आज की मीटिंग के पगड़ी सवाल का फैसला हुआ या कोई और भी संगठन साथ आए हैं? देखिए, ये मीटिंग पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की, ये फैसला पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने लिया है। तमाम जो हमारे साथ मिलते जुलते संगठन हैं उनके नेताओं से भी हमने चर्चा की हुई है और जब अगला एक्शन है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो, ये हम प्रयास करेंगे। तमाम लड़ने वाले संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार की बर्बरता पुलिस के द्वारा किसानों के साथ की जा रही है, तो आपको लगता नहीं हरियाणा को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए हरियाणा के किसानों को? हरियाणा के तभी यही संज्ञान लिया, संज्ञान इसीलिए लिया कि वो किसानों पर लाठी बरसा रहे हैं, घोड़े बरसा रहे हैं। तो किसानों के पक्ष में ही हमने टोल फ्री का और हरियाणा में चक्का जाम का जो हमने आह्वान किया है उसी पक्ष में किया। तो क्या भारत बंद भी है, चक्का जाम की उनकी भी कॉल है रोडवेज की, क्या उसमें सहयोग करेंगे या आप अपने अलग से रहेगा इनका? नहीं, टोल फ्री देखिए रोडवेज की और जो कर्मचारियों की चक्का जाम की है वो अपने इलाके में, वो लोग अपने जैसे कि जो बस स्टैंड है वहाँ पर वो चक्का जाम करेंगे, अपना धरना चलाएंगे, शहरों में प्रदर्शन करेंगे। हम एसकेएम की इस पोल का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो टोल फ्री के आह्वान है वो पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की, वह हमारे जो सहमति के जो संगठन है उनके हम साथ में लेकर ये किसानों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पूरे हरियाणा में कल 16 फरवरी को 12 से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री करेंगे। संदीप जी, जो पिछले 2-3 दिनों से आंदोलन चल रहा है, किसान बॉर्डरों की तरफ जा रहे हैं, जो किसान घायल हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहते? देखो, हमने ये फैसला इसलिए लिया है, किसानों के पक्ष में लिया है, वो किसान हमारे साथी हैं, किसानों के हक में ही हमने फैसला लिया है और उनका जो किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण पुलिस ने कार्रवाई की उसकी हम निंदा करते हैं और उसके विरोध में ही हमने ये आंदोलन का फैसला लिया। ठीक है, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम काजल है, बद्दी से आए हो, बोर बलिया जाना है, सुपर स्टेशन पे आके हम बैठे हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं कब तक आएगा। कितनी परेशानी? बहुत परेशानी। क्या बताया जा रहा है ट्रेन के बारे में? ट्रेन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। हमको गाजीपुर जाना है, राजकुमार यादव। अरे हम तो यहाँ 11:30 बजे आया था। क्या बताया जा रहा? अब कहाँ बताए, हम पता नहीं है, तो कह रहे कभी नहीं आएगी, हम क्या बताए। परेशानी हम तो नहीं है, तो परेशानी भैया मैं डेरा बस्सी से आया हूँ, यूपी से, चंडीगढ़ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, 1.5 महीना से थे यहाँ पे डेरा बस्सी से, अब हमको गाजीपुर सिटी जाना है और मैं 11:30 बजे का बैठा हूँ, ट्रेन की टाइम 1:50 पे थी और वही इंतजार में बोले कि 4:30 आप लोग को मालूम चलेगा और समझ में आ रहा है किसान आंदोलन है तो बैठ के ट्रेन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत परेशानी, तू बैठे तो है तो परेशानी होगी ना, वो तो है नहीं कि नहीं हो पाएगी। अब यहाँ का तो हम बता नहीं सकते भैया, यहाँ का तो हम बता नहीं सकते हैं। रेलवे वाले बोले हम गए टिकट लेने के लिए तो बोले कि 4:30 आपको मालूम चलेगा, इससे पहले आपको टिकट मैं नहीं दूंगा। बस कारण वही बता रहे, कुछ तो कारण में पूछा तो कुछ नहीं बताए, बोले कि 4:30 पहले नहीं। बाकी हम न्यूज पे देख रहे हैं तो उधर मालूम चल रहा है कि आंदोलन यही सब हो रहा है।
किसान दिल्ली कूच कोड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर पे ही किसानों ने डेरा डाले हुए। तीसरा दिन आज किसान आंदोलन को हम कहें हो गया है। आज फिर एक बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। आज फिर बैठक होनी है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के जो उग्रोहा है उन्होंने कहा है कि हम रेल रोकेंगे। एसकेएम भी समर्थन में आ गया है, वो टोल फ्री करने की बात कही है। कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन आज की बैठक पर जो डिपेंड करता है कि क्या रहने वाला है। लेकिन तस्वीरें सोनीपत के कुल्ली सिंघू बॉर्डर की हैं। ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस द्वारा एक बार फिर किसानों को यहीं रोकने की तैयारी, और जितनी लेयर की सिक्योरिटी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर है, शायद ही सिंघू बॉर्डर पर रही होगी। सीसीटीवी कैमरे, माइक, वज्र वाहन, इसके अलावा टीयर गैस के लिए गाड़ी खड़ी कर दी गई है। आरएएफ की भारी कंपनियां तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। जो साइन बोर्ड थे वो उतार दिए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेटिंग, कंक्रीट, कटीले तार, लोहे की तार, उसके अलावा लोहे की बैरिकेटिंग्स, पत्थर, मिट्टी से भरे हुए कंटेनर, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 5 लेयर सिक्योरिटी, इतनी हैवी सिक्योरिटी यहाँ पर है। किसान अब की बार भी दिल्ली में ना घुसे, इसकी तैयारी दिल्ली पुलिस पूरी तरह कर चुकी है। भारी पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरों में देखिए कि टेंट लगा दिया गया है, और टेंट के जरिए जो दिल्ली पुलिस की जो भारी बल टुकड़िया है वो यहाँ पर है। हालांकि सीआरपीएफ की भी टुकड़िया यहाँ पर है। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ आप देखें कि किस तरह की कंटेनरों के अलावा यहाँ पर ट्रक भी मिट्टी से भरे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिनकी ड्यूटियां लगाई गई है। तैयारी पूरी कर चुकी है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, और उसी के लिए आप तस्वीरें देखिए कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर है कि किसान सर्विस रोड हो या फ्लाईओवर हो, कहीं से भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते, जिसके इंतजाम दिल्ली पुलिस यहां पर कर चुकी है। आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के हो, हरियाणा पुलिस के हो, लगातार कुंडली सिंघू बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन इंतजामों के बाद हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि अब देखना आज 5 बजे की बैठक के बाद होगा कि किसान दिल्ली कूच का आह्वान करते हैं या नहीं। अगर दिल्ली कूच का आह्वान करते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर इतने ज्यादा इंतजामों के बाद दिल्ली में घुसना लगभग ना ही बराबर है। देखना अब यही होगा कि किसान दिल्ली कूच के आह्वान के बाद यहां कब तक पहुंचते हैं, या एक बार फिर जो इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किए हैं इसी जगह बैठकर किसान लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन करेंगे, या आज बैठक में बात बन जाएगी। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिन अंतिल, न्यूज 18। नाम जयवीर सिंह है, वो इटावा से आए हैं और चंडीगढ़ जाना है। परसों से खड़े हैं रात को, ये सब परेशानी परेशानी और क्या है। तो क्या पूछा हो किसी से, किसी ने बताया होगा? हाँ, बोले बंद है। किसान आंदोलन की वजह से बंद है? हाँ, किसान आंदोलन की वजह से, और वो पुलिस वाले भी निकलने दे रहे हैं। क्या नाम है? जयवीर सिंह। आज ये किसान, ये किसानों की वजह से रोड पूरा जाम कर रखा पुलिस ने, वो जाने नहीं दे रहे। 3 दिन से यहाँ खड़े रुके पड़े, अर्जेंट का माल था, कंपनी वाले बोलते जाओ जाओ, तो कहाँ जाऊँ, पुलिस नहीं जाने दे रही आगे। मालिक को बता दिया कंपनी को? बता दिया, कंपनी से बोल तो दिया है कि जाने नहीं दे रहा आगे, पुलिस रोक रखी है, करनाल पे रोक रखे, तो वहाँ से जैसे तैसे निकले यहाँ तक आए और आगे जाने नहीं दे रहे। कहाँ से? बॉम्बे से। मुंबई से? क्या माल लेके आए? ये इसमें केमिकल का, केमिकल ये लालू। लालू? हाँ जी। खाने पीने का? खाने पीने का देख रहे हैं आप, खाने पीने का तो जैसे तैसे होटल पे ही खाएंगे। और क्या नाम है? दलवीर। हम पुणे से भर के आए हैं सर, चंडीगढ़ और लुधियाने का माल है, एक फरीदाबाद का था उसका खाली करके आए, तो करनाल में कल परसों शाम को 5 बजे घुमा दिए शामली वाले रोड पे पुलिस वाले, तो उधर हमारी गाड़ी जा नहीं सकती क्योंकि शामली में रेलवे क्रॉसिंग है, हम घूम के भी जाना चाहें तो नहीं पास होगी, तो वापस खड़े रहे उधर ही रात भर और जागते रहे। इसके बाद सुबह वहाँ से छोड़े तो निकल के आए, तो करनाल फिर यमुनानगर वाले रोड पे घुमा रहे थे, तो वहाँ साइड में लगा के खड़े थे 1 घंटे, फिर वहाँ से छोड़े तो यहाँ कल से खड़े हैं। अब आगे पता चल रहा है कि जिस रोड पे हमारी गाड़ी जा सकती है उस पे बंद कर रखे हैं। क्या माल है, कहाँ जाना? कार है सर, जीप कार है, जीप कार। लुधियाने का और चंडीगढ़ का माल है अभी बचा हुआ। डीलर का भी फोन आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में बता दिया, ट्रांसपोर्ट बोल दिया कि आप जाना नहीं किसी के बताने से जब तक मेन रोड खाली नहीं रहेगा, या उधर से गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि हमारी गाड़ी हाइट है, पास नहीं, पास नहीं होगी।
जिंदाबाद।